आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 अगस्त को मनाए जाने वाले अन्न महोत्सव की तैयारियों का लिया जायजा। कहा, पीएम मोदी करेंगे योजना के लाभार्थियों से संवाद। प्रत्येक कोटे की दुकान पर लगाया जाए टीवी। 100 व्यक्तियों के बैठने की हो व्यवस्था। किया जाए राशन का वितरण। गोरखपुर विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा ने की खुदकुशी। मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। SPCT ने कहा, हर एंगल से पुलिस कर रही है जांच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगी स्थिति स्पष्ट। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने तथा संभावित तीसरे वेव की तैयारियों की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के दिए निर्देश। मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर साहित्यकार अमित कुमार की पुस्तक एक सुलझा हुआ रहस्य का ADG जोन एवं प्रोफेसर रामदेव शुक्ल ने किया विमोचन। ADG ने कहा, पुस्तक में मिलेगी विज्ञान के रहस्य की जानकारी। विज्ञान के छात्र उठा सकते हैं लाभ। UP बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम हुए घोषित। करीब 100% विद्यार्थी हुए सफल। उत्तीर्ण विद्यार्थियों ने कहा, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और सिविल सेवक बनकर करेंगे समाज की सेवा। कथाकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर इप्टा द्वारा उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। उनके जीवन चक्र को किया गया याद। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई उद्योग बंदियों की मासिक समीक्षा बैठक। उद्यमियों के समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। कहा, शासकीय योजनाओं की पत्रावलियों के निस्तारण में विलंब अक्षम है। हिंदू युवा वाहिनी के तत्वाधान में हर एक घर तुलसी और एक पौधा सहजन एवं भूमि सुपोषण अभियान के तहत भटहट ब्लॉक में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कुपोषण से मुक्ति के लिए लोगों को दिलाया गया शपथ। औषधि पौधों पर की गई चर्चा। शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 39 केंद्रों पर 9,610 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 7,794 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 1,816 लोग रहे शामिल। CMO ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। महानगर के कई क्षेत्रों में हुआ जलभराव। पंपों से की जा रही है जल निकासी। गोरखपुर में शनिवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,363। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 18 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। कथाकार मुंशी प्रेमचंद जयंती के अवसर पर प्रेमचंद और हमारा समय पर संगोष्ठी तथा कर्मभूमि पत्रिका का किया गया विमोचन। वक्ताओं ने मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर डाला प्रकाश। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य शासन द्वारा लगाए गए 2 दिन के साप्ताहिक बंदी के तहत शनिवार को बंद रही महानगर की दुकानें। SPCT ने कहा, बढ़ते सावधानी, करें कोरोना गाइडलाइन का पालन, रहें सुरक्षित। और जनपद में हो रही लगातार बारिश से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी को लेकर जिला प्रशासन है अलर्ट। ADM फाइनेंस ने कहा, तटबंधों और बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्रों में की गई है प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती। स्थिति सामान्य।